एवरीवन, इट्स प्रिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल फेस पैक जो कि आपकी स्किन को धीरे धीरे गोरा करने में हेल्प करेगा, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा एंड आपके फेस पे जितनी भी डेड सेल, डेड ऑयल होगा, अनइवन स्किन होगी, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो गाइज, ये ऑल स्किन टाइप के लिए फेस पैक है। सो मैंने लिया है बेसन, कर्ड, कॉफ़ी एंड राइस फ्लावर। सो गाइज, बेसन रिमूव करता है हमारे फेस की डर्ट को एंड हमारे फेस पे जितना भी एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है एंड ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है। सो गाइज, मैं 1 से 2 स्पून बेसन ले लूँगी एंड कर्ड हमारे स्किन के पोर्स को टाइटन अप करने में हेल्प करता है। ये जितनी भी हमारे फेस पे डलनेस होती है उसको रिमूव करता है एंड पिगमेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है कर्ड। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ गाइज कॉफ़ी। सो कॉफ़ी मैंने 1 स्पून ली है एंड कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं एंड ये नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। सो गाइज, कभी कभी कि मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या अप्लाई करूँ, सो मैं सिंगल कॉफ़ी का फेस पैक बनाती हूँ और उसे अप्लाई कर देती हूँ। अमेजिंग रिजल्ट देता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, मेरी स्किन पे सूट करता है कॉफ़ी अच्छे से। सो नेक्स्ट गाइज, मैं एक्सफोलिएट के लिए यूज़ करूँगी राइस फ्लावर। सो गाइज, राइस फ्लावर हमारे सन से जो भी स्किन डैमेज हो जाती है उसको नेचुरली ठीक करने में हेल्प करता है एंड हमारी स्किन को सूट्स बनाता है एंड जितना भी हमारे फेस पे एक्सेस ऑयल होता है उसको अच्छे से सोक कर लेता है। सो गाइज, इसमें सभी इंग्रेडिएंट मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड किए हैं जो कि ऑल स्किन टाइप को सबको सूट करने वाले हैं। सो आपको इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी में इसको अप्लाई बना के रखना है। सो गाइज, मैंने फेस पैक को फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ठंडा। सो ये मैं आपको बता रही थी, मैंने फेस एकदम क्लीन कर लिया है फेस वॉश की हेल्प से एंड आप मेरा फेस देख रहे होंगे कितना लाइटनब लग रहा है बिकॉज मैं इसको वीक में 1 से 2 बार ज़रूर यूज़ करती हूँ। सो गाइज, आपको इसे वीक में 1 से 2 बार ज़रूर अप्लाई करना है एंड ये आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्क देगा। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर डनलेस है तो सबको रिमूव कर देगा। एंड चावल मैंने इसमें ऐड किया है जो कि हमारे डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा, तो अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइज, वैसे भी समर का टाइम आ चुका है, आपने देखा होगा 5 मिनट के लिए अगर हम बाहर जाते हैं तो कितना फेस पे डिफरेंस नज़र आने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा डल लगने लगता है फेस। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मार्केट से आए हैं तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। आप इसे 1 वीक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें कर्ड और रॉ मिल्क, कच्चा दूध मिला के लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप टोमेटो जूस एंड लेमन जूस ऐड करके लगा सकते हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप रोज़ वाटर ऐड करके लगा सकते हैं। मैंने इसको एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि मुझे अपने हैंड्स पे भी अप्लाई करना था, नेक पे भी अप्लाई करना था। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग उपटन, एज अ उपटन भी ये वर्क करता है क्योंकि मैंने इसमें राइस फ्लावर ऐड किया है जो कि नेचुरल एक्सफोलिएटर का वर्क करेगा, अच्छे से हैंड पे से जितनी भी डर्ट होगी उसको रिमूव कर देगा। सो गाइज, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है, सब इजीली आपके किचन में अवेलेबल होगा, आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। सो अच्छे से मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लूँगी एंड गाइज, इसका इतना अमेजिंग वर्क हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्लीन हैंड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा वाइट हैंड लग रहे थे। अगर आप शादी में जा रहे हैं तो शादी में जाने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर अप्लाई करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो मैं अच्छे से अपने हैंड को ऐसे ही मसाज करूँगी लगभग 2 से 3 मिनट तक एंड मैं इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दूँगी अपने हैंड्स को एंड फेस पे मैं 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दूँगी। सो गाइज, मैं सूखने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज, 20 से 25 मिनट मैंने इसको अपने फेस पे लगे ही रहने दिया। सो आपको ऐसे डायरेक्ट पानी से इसको वॉश नहीं करना है जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, जस्ट आपको वैसे ही इसको रिमूव करना है तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वाटर से हम इसको रिमूव कर लेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, बट हमारी स्किन, जो डेड स्किन हमारी जो फूल गई है जो भी गंदगी, उसको निकालने के लिए हमको ऐसे रब करके इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी लेकिन आपको धीरे धीरे करना है, मसाज करते हुए इसको निकालना है।
सो अच्छे से मैंने निकाल दिया एंड बहुत ही ज़्यादा मैंने जब इसको वाटर से वॉश किया तो फेस इतना सॉफ्ट, लाइक टेडी बियर जैसा फेस सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था। देख सकते हैं वॉश करने के बाद में डिफरेंस, फेस पहले का आप मेरा फेस देख सकते हैं एंड अब एंड आप मेरे हैंड्स देख सकते हैं कितने क्लीन आउट हो गए हैं। सो गाइज आप भी डेफिनेटली इसको अप्लाई करना एंड मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर करना। सो अभी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, बहुत सारे लोग पूछते हैं फेस पैक के बाद हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। तो गाइज़ फेस पैक के बाद आपको ज़रूर टोनर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आइस क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब अपने फेस पे रब कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पोर्स हैं वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे एंड अच्छे से आपको डैप डैप करके लगाना। जस्ट मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल, आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे जेल्स अवेलेबल हैं, नीम जेल, ऑरेंज जेल, बिकॉज समर का टाइम है गाइस, तो हम या तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे या फिर कोई जेल यूज़ करेंगे। गाइस आप अगर अपना स्किन केयर ऐसे कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन पे फ़र्क देखेंगे एंड आपको ज़्यादा मेकअप लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली ऐसे ही बहुत ज़्यादा ग्लोई लगेंगे। सो गाइस ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया हो। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।